हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मेरे बर्थडे की स्टार्टिंग से। अभी बज रही हैं 11:41 और मुझे दूसरे कमरे में बैठा दिया गया है। यश और विक्कू और ये सब जने रूम में कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। चिकू भी साथ में इंक्लूड हैं, तो वो सब जने रूम में हैं, मुझे बाहर निकाल दिया। मैं कर रही हूँ मेरे फ़ोन के साथ एंजॉय, तो जब मुझे वो बुलाते तब दिखाती हूँ आपको कैसा सरप्राइज़ प्लान किया है। फर्स्ट तो मेरा ही होना चाहिए। जल्दी जल्दी हो गया है। अभी सब जने मुझे लेने और मुझे विश करने के लिए आ गए हैं और अभी बज रही है 12:59। चलते हैं अब रूम में। आपको मेरा फेवरेट केक है, एज ऑलवेज अच्छा ही लगेगा, रेड वेलवेट, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, ये मेरा बर्थडे नहीं है। नहीं, नाम मैंने नहीं लिखवाया। जलेगी जलेगी आराम से ना, ये जो हाथ दिलो ना। कोई बोलो ना। हैप्पी बर्थडे रोयो, हैप्पी बर्थडे रोमादीदी, हैप्पी बर्थडे रोमादीदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लवली पीपल। लव बेटा, चलो अपन जाते घर। निकलते हम। तो रुको, से केक में खा के नहीं जाओगे क्या? पर पता भी नहीं चला यहाँ से कुछ है, गिफ्ट निकला है इसके अंदर। देखो फर्स्ट साइड में निकल गया गिफ्ट भी, देखो कितना लकी है। इनको पता है सब, ये अच्छा इसलिए इधर से टुकड़ा हुआ है। ये तो अभी मैंने किया है, इधर से बोलो गिफ्ट को लो, तुम्हें गिफ्ट को जा धो के लाए। बस ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और इसमें क्या निकला? पैक करके लाए ना वापस। खोलो भाई, खोलो ले। जो केक में निकला वो ये था। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है। तो ये है मेरी फुट की फिंगर की रिंग्स और ये ब्रेसलेट, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ये नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं था। अब ये खोला जाएगा। ओके, फर्स्ट रिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वेयर करना पसंद है। लो तुम ही पहना दो। माप भी फिक्स है। फिक्स। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और वाव, मंगलसूत्र। अब ये भी तुम ही पहना दो। क्यों गए हुए, वापस कैसे आ रहे? तुम गए नहीं क्या? गाड़ी चालू नहीं हुई? सही काम कर लो। वाओ, रिंग, मंगलसूत्र, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शॉर्ट है, एकदम सही लग रहा है। ये चेन निकाल सकते हैं, चेन के साथ भी अच्छा। हाँ,
मेरा हाथ आधा हाथ लगा पूरा मन लगा हाथ तो बड़ा लगा बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गिफ्ट हमारे सामने ही खोला जाएगा। खोलो अनबॉक्सिंग कर दो अनबॉक्सिंग कर दो। अच्छा तू भी ले हैंड। ओ ओ घड़ी हम हमारा समय किसी को नहीं देते। राधा कृष्ण दिए मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर। ठीक है ओके ओके वीडियो चल रही फोटो नहीं ले ले वापस कोई नहीं। ये आपका बहुत सबसे स्पेशल है संभाल के खोलना इसको। इसको संभाल के खोलना रोमा जी अगर कांच की चीज है इसलिए। हाँ तो उस पड़ेगा मैं ने कॉकरोच निकले। कैसा लगा रमा दीदी? बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी ये लिखा किसने भी बता मेरे को? ये मैंने लिखा है। सच्ची में तेरी राइटिंग इतनी अच्छी कब से हो गई? नहीं बहुत अच्छा लगा है। ये तो ऑब्वियस मेरे रूम में लगेगा इसलिए लगेगा ही लगेगा सब लगेगा। YouTube दे या ना दे पर भाई ने दे दिया है मुझे और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब वो भी बहुत जल्दी मिलेगा अगर लड़ाई ये जो आंकड़ा 45 था वो 500 हो जाना चाहिए था बर्थडे तक ताकि ये थोड़ा यू करेक्शन में नहीं आता। लव दैट सब बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा मनाया मेरा बर्थडे। थैंक यू सो मच माय ऑल ब्रदर्स। पर वो भाई इतना दूर से चला गया। हां क्योंकि अभी तक पूरा बर्थडे आया नहीं है ना इसलिए वो भाई चला गया है दूर। अब तुम है ना देरी ना करते हुए घर के लिए निकल जाओ। बाय बाय चलो हम जा रहे हैं घर को पका रहे हैं। तो आइसक्रीम केक तो खा के जाओ थोड़ा सा तो खाओ इतना टेस्टी है। थोड़ा सा नहीं आप ये क्या सब जने अपने अपने घर चले गए हैं और हम दोनों हमारे घर हैं और बस अब बर्थडे स्टार्ट हुआ है। बर्थडे का स्टार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। चिकू का भी गिफ्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यानी बहुत ही ज़्यादा और साथ ही ये रिंग जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है और ब्रेसलेट भी यानी मैं इतना सब चिकू गिफ्ट्स वगैरह के मामले में इतने ज़्यादा ही हूँ देखा जाए तो होशियार नहीं है सब कुछ मुझे पूछ के करते पर पहली बार मैं कुछ भी गैस नहीं कर पाई और एकदम केक के अंदर मिल गया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बस अब मिलते हैं आपको सुबह अब सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। तो अभी चिकू कर रहे हैं बाहर वेट तो चलिए चलते हैं। आज के बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है जैसे कल रात का ही स्टार्ट हो गया था पर अभी दिन चालू हो गया है। चलिए अभी हम निकल चुके हैं उदयपुर के लिए और चिकू ने मुझे इतना वेट करवाया है बोले कि जल्दी आ जाओ और जैसे ही मैं आ गई और फिर चिकू शॉप पर थे तो बिज़ी हो गए कुछ शॉप का काम था ये LED वगैरह सब सही करवाने के लिए देनी है। और आज हमारी गाड़ी में AC भी नहीं चल रही है कुछ प्रॉब्लम की वजह से पर कांच और जो खुले रखे थे पर उससे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पर कैसा रहता है उदयपुर का सफ़र आज देखते हैं सफ़र कैसा रहता है वहाँ जाके तो सब बढ़िया ही है। हाँ फर्स्ट टाइम ख़राब हुई है ऐसा कभी होता नहीं है कभी भी नहीं और होता है तो तुरंत सही करवा ही देते तुरंत पर हाँ कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो उदयपुर चलते हैं और उदयपुर जाकर आपसे मिलते हैं। अभी आ गए हैं हम मॉल के अंदर गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गई है पीछे और आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई आने में क्योंकि गाड़ी का ऐसे काम नहीं कर रहा था बाहर और ज़्यादा प्लेजेंट है गाड़ी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं हम मॉल में तो मॉल जाके मॉल खाना वगैरह खाते हैं एक बार तो बहुत भूख लग गई 1:30 बज गई है लगभग तो अभी हम जा रहे हैं मॉल में। आज गर्मी का एहसास मेरे को तो नहीं होता है सेट हार मान लियो मैं तो हम AC में जाके बैठेंगे और फिर बिल्कुल सच में मैं खुद भी इतनी ज़्यादा फर्स्टेड हो गई थी कुल मिला कि इतना चिड़चिड़ापन हो गया था गर्मी से चिकू से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी और लिफ्ट कब आएगी। अभी अभी हमको न्यूज़ मिली है कि PVR स्टार्ट हो गया है तो ऊपर अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि सच में स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट हुआ भी है तो अभी कौन सी मूवी लगी हुई है। तो ये सामने PVR और सच में ओपन है लाइट चली गई। अरे यार ये क्या होता है यार
सही में चालू होंगे। अरे हाँ यार सही में चालू है। वो आगे लाइट्स PVR चालू हो चुका है, तो अभी हमने टिकट्स हैं वो बुक नहीं किए, हम तुरंत ही आके ले लेंगे यूं करके। तो हम मूवी देखने वाले हैं बेल बॉटम, और लगभग 2-2.5 साल बाद अब थिएटर में मूवी देखने का मज़ा आएगा, नया एक्सपीरियंस होगा। और सच में हम लोग तो यानी इतने ज़्यादा बड़े मूवी लवर हैं, कुछ भी कहो घर पे बोले कितना भी अच्छा माहौल बना के अपन मूवी देख लेते हैं, पर थिएटर में देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो 3:50 का शो है, तो तब तक हम ऊपर आ जाएंगे, अभी कर लेते हैं कुछ शॉपिंग। गाड़ी में वैसे भी एसी नहीं चलती, कहीं घूमने का मतलब नहीं है। हाँ सही है, गाड़ी में वैसे भी एसी नहीं चल रही, इसलिए कहीं घूमने का मतलब नहीं है। अभी आ गए हम वापस से पार्किंग में, क्योंकि हमको अभी कुछ स्पेशल सामान लेने जाना है, जो कि मुझे पता है कोई मेरा बर्थडे का गिफ्ट नहीं है, तो अभी वो लेने जा रहे हैं और फिर आके फिर मूवीज़ वगैरह देखेंगे। अभी हम लेने आए हैं हमारा, हम दोनों के लिए सरप्राइज़ है, यानी हम दोनों ने गिफ्ट ही किया है, हम दोनों की जो मेहनत का फल है वो अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं। और चलिए दिखाते हैं वो चीज़ क्या है। किसी कारणवश हमारा जो पार्सल है वो डिले हो गया है, पर अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और फिर वापस आएंगे, फिर हमको हमारा पार्सल रिसीव होगा। हमारा वेट कर रही है, आ जाओ गर्मी में तपने के लिए आ जाओ। ट्रेड रूट्स खोल दिए गए थे, एनओसी पर सीज फायर लागू था। अभी हम मूवी देखने के लिए आ गए हैं और अभी मूवी देख रहे हैं हम बेल बॉटम। शायद मैं दिखूं या फिर नहीं दिख रही होंगी। अभी मूवी का हो चुका है इंटरवल, और अभी तक की मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरी वॉइस आ रही होगी ना परफेक्टली। अभी तक की तो मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और अभी हुआ इंटरवल। कुछ नाश्ता पानी लाते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करवा रही हूँ कुछ फ़ोटोज़, और मैंने अभी पॉपकॉर्न ले लिए हैं, अभी ये लेके मैं अंदर जाऊँगी। चीकू को तो कुछ भी खाना नहीं था पर मुझे खाने थे, इसलिए मैंने ले लिए। अच्छे फ़ोटोज़ खींच दो ना 2-3। अब चलिए हमारे पॉपकॉर्न की हम चलते हैं। बटुआ पर्स तुम पकड़ लो ना। मैं पकड़ू? हाँ यार, क्या शर्म कुछ आती है को? मूवी होगी ये फिनिश, बाहर जाके बताते हैं, बहुत आवाज आ रही है। वो बहुत जोरदार काला हो गया। अभी जस्ट आए हम पार्किंग में और हमने मूवी देखी, बहुत ही ज़्यादा शानदार मूवी थी बेल बॉटम। यानी इतने टाइम बाद थिएटर में मूवी देखी, वो भी बेल बॉटम, यानी एकदम मज़ा ही आ गया। और सच में इतने टाइम बाद थिएटर में मूवी देखने का क्या मज़ा है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं और चिकू तो इतने यानी कहते हैं ना अडिक्टेड है, न्यू मूवी आई कब ना और देखने कब जाते, ऐसा था। पर इतने टाइम से आ रहे थे और इसी चक्कर में हम जल्दी घर चले जाते थे, मूवीज़ होती थी तो हम लेट जाते थे, और आज हमने दोपहर में मूवी देखी, मज़ा आ गया एकदम। और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, घर के लिए तो सीधे नहीं निकल रहे, अभी कुछ और भी काम है, उन कामों को पूरा करके फिर हम निकलेंगे। Thank you.
आपने देखा ही होगा जो मैंने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की, हमने हमारा ड्रीम लैपटॉप लिया है, यानी चिकोवर में कब से इस लैपटॉप के बारे में सोच रहे थे वो ले लिया, और अभी हम जा रहे हैं डोमिनोज में खाने के लिए। क्या क्या ऑर्डर करेंगे वो सुबह से सोच रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है डोमिनोज। अभी आ गया है हमारा डिनर, और डिनर में है कुछ वेलवेट ब्राउनीज, दो पिज़्ज़ा, हमारी गार्लिक ब्रेड, और है पास्ता। अब बस हम इसको कर लेते हैं एंजॉय, खा लेते हैं, भूख भी लग गई काफ़ी और बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो खा के फिर आपसे मिलते हैं। घर पर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थके आ रहे हैं। अब आपको आज की पूरी स्टोरी बताती हूँ कैसा गया बर्थडे मेरा। हम आ चुके हैं घर जैसे कि, और अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और कंप्लीट फ्रेश हो गए, हाथ पैर भी धो लिए, थकान सारी उतर गई उस वजह से। और आज क्या हुआ अब मैं आपको बताती हूँ, पूरे दिन की समरी बता देती हूँ। आज मेरा बर्थडे था और रात को हमने सेलिब्रेट किया, सुबह हम उदयपुर निकलने वाले थे तो हम उदयपुर के लिए निकल गए, पर जैसे ही गाड़ी कल कहीं गई हुई थी तो वापस आई तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिससे एसी बंद हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, एसी बंद हो गया वो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो भी हम गाड़ी लेके उदयपुर चले गए। यहाँ पर हमारी शॉप का जो कंप्यूटर है उसका कुछ काम भी था, तो साथ में वो कंप्यूटर भी लेके गए थे। तो अब वो कंप्यूटर हम इतना सेफली रख के गए थे, अब किस टाइम क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला, और वो डिस्प्ले थोड़ी सी डैमेज हो गई। उस कंप्यूटर का काम थोड़ा सा ही था और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पर चिकू का पूरा दिमाग हो गया कंप्लीट शॉर्ट, क्योंकि काम ही कुछ थोड़ा सा था और फिर उसको उसके बदले में हमको लग गया बहुत बड़ा फटका। और तो भी पर चिकू ने वो जैसे तैसे करके मैनेज किया, काम सारा करवाने के लिए दे दिया, और मेरा भी मूड ऑफ हो गया था उनके साथ साथ में, पर मेरा दिन उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया। तो चिकू ने बोला चल चेक करते हैं पीवीआर खुला है कि नहीं खुला है। दिन तो वैसे अपना सारा जो सोच के गए थे वो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हम पीवीआर गए तो पीवीआर खुला, मूवी देखी तो बहुत मज़ा आया पूरे दिन, यानी वही सबसे बड़ा इन्जॉय वही था। फिर हमने खाना वगैरह खाया और वापस आ गए, यही था। और शॉप का भी काम चिकू काफ़ी लेके गए थे तो वही काम चल ही रहा था। और अभी बज गई है 11:30 और हम 11 बजे आ गए थे घर पे, फिक्स 11:01 को ही आ गए थे। मेरा बर्थडे होता है अब ख़त्म, और आज का व्लॉग भी होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, सबसे मेन चीज़, मेरे जितने भी वेल विशर हैं जिन्होंने भी मुझे विश किया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। ओके बाय।